गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको यूनिट थर्ड यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर यूनिट थर्ड यहाँ पर करने वाले हैं। बात करते हैं अगर हम यूनिट थर्ड की, ठीक है, यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अब पढ़ने वाले हैं स्टैन फ्री थ्योरी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले में जो हमने पढ़ा था वो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स हमारा टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में बताया था कि किस तरीके से साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में मैं ये वाला टॉपिक आपको करवाऊँगी। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी जो भी हमारे साइक्लोअल्केन होते हैं, उन साइक्लोअल्केन्स के अंदर अगर क्या होता है, उन पर्टिकुलर साइक्लोअल्केन्स के अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर वो जो बॉन्ड एंगल है उसकी जो वैल्यू होती है वो अगर कम हो जाती है, तो उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में उसमें स्ट्रेन आ जाता है और स्ट्रेन आने की वजह से वो अनस्टेबल माना जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रेन फ्री थ्योरी। यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन फ्री थ्योरी। इम्पॉर्टेंट है ये भी, स्ट्रेन फ्री थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रेन फ्री थ्योरी है उस स्ट्रेन फ्री थ्योरी को दिया किसने था। तो मोहर ने इस थ्योरी को दिया था। किसने दिया था इस थ्योरी को, मोहर ने इस थ्योरी को दिया है। मोहर ने इस स्ट्रेन फ्री थ्योरी को दिया है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो भी रिंग होती है 6 कार्बन की या 6 से ज़्यादा कार्बन की, है ना, जो भी पर्टिकुलर आपकी रिंग होती है या तो 6 कार्बन की रिंग होगी, ठीक है, या फिर 6 से ज़्यादा कार्बन की होगी, तो 6 कार्बन या 6 से ज़्यादा कार्बन की जो रिंग होती है वो स्ट्रेन फ्री हो जाती है। ठीक है, मोहन ने क्या बोला कि जो 6 कार्बन है या 6 से ज़्यादा कार्बन है उसकी जो रिंग होगी वो स्ट्रेन से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बन एटम हैं वो एक ही प्लेन पर आने के लिए फोर्स नहीं किए जाएंगे, एक ही प्लेन पर आने के लिए फोर्स नहीं किए जाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेन फ्री हो जाएगी, है ना। तो अलग अलग प्लेन पर जितने भी कार्बन के एटम्स रहेंगे वो अलग अलग पर्टिकुलर प्लेन्स के ऊपर रहेंगे, वो एक ही प्लेन पर आने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किए जाएंगे, है ना, आ रही बात समझ में। तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू होती है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, कल हमने जब जो पढ़ा था दोनों के अंदर, ठीक है, सो उन दोनों के अंदर साइक्लोप्रोपेन के अंदर और साइक्लोब्यूटेन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और उसी वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है और वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, 6 और मोर देन 6 कार्बन की, तो मोहर ने ये बोला कि 6 और मोर देन जो 6 कार्बन रहेंगे उनके अंदर क्या होगा, वो स्ट्रेन फ्री रहेंगे। रीज़न इज दैट कि एक ही प्लेन पर जितने भी कार्बन हैं वो आने के लिए फोर्स नहीं होंगे, जितने भी कार्बन रहेंगे वो अलग 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 प्लेन पर रहेंगे और इस वजह से उनका जो एंगल रहेगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री। इसी वैल्यू को, इसी एंगल को वो शो करेंगे जितने भी 6 या 6 से ज़्यादा के कार्बन की जो रिंग्स रहेंगी वो, और इसीलिए उनको क्या माना जाएगा, इसीलिए उनको स्टेनलेस रिंग बोला जाएगा, क्योंकि उनमें स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, स्टेनलेस रिंग वो रहेंगी और इसीलिए वो स्टेबल भी होंगी। ठीक है, तो मोहर ने स्ट्रेन फ्री थ्योरी दी थी और उन्होंने सिंपल सी बात क्या बोली थी, द रिंग
द रिंग विथ सिक्स और मोर देन सिक्स कार्बन एटम इज स्ट्रैंड लेस और स्ट्रैंड फ्री बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, स्ट्रैंड फ्री, ठीक है ना, स्ट्रैंड फ्री बिकॉज कार्बन एटम नॉट फोर्स टू कार्बन एटम नॉट फोर्स्ड into one plane, ठीक है, and normal tetrahedral angle retained. तो कल जो आपने थ्योरी पढ़ी थी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की, उसकी जस्ट अपोजिट है, वो अनस्टेबल माने जाते हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि 109.5 डिग्री जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है इससे वो वेरिएशन शो करते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी वो दोनों ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे सिक्स या सिक्स से ज़्यादा कार्बन एटम की, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, रीज़न इज़ दैट कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू रहेगी वो इनकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा कर देगी, और स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये बहुत ही आसानी से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सिक्स या सिक्स से ज़्यादा वालों के केस में ही ये थ्योरी है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, ले लेते हैं हम यहाँ पर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। हेक्स मतलब कि कितने कार्बन, सिक्स कार्बन, ठीक है, और साइक्लिक फॉर्म में सब जगह पे सिंगल 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 बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये पूरा कहलाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो दो, इसके टू कन्फर्मेशन होते हैं, दो फॉर्म होते हैं इसका, एक तो होता है चेन फॉर्म जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक इसका कन्फर्मेशन होता है चेन फॉर्म के अंदर और एक इसका कन्फर्मेशन होता है बॉट फॉर्म के अंदर। एक होगा चेन फॉर्म के अंदर और एक होगा बॉट फॉर्म के अंदर। अब ये दो फॉर्म क्यों होते हैं, ये दो फॉर्म तभी आते हैं जब कोई भी कंपाउंड जो रहेगा वो स्ट्रैंड फ्री रहेगा, मतलब उसमें किसी तरह से कोई स्ट्रैंड नहीं होगा, ठीक है, तभी आपके ये दोनों फॉर्म पॉसिबल हो पाते। तो चेन फॉर्म और जो बॉट फॉर्म है वो विदाउट स्ट्रैंड ही पॉसिबल है, ठीक है, इसीलिए ये जो हमारी रिंग्स होती हैं स्ट्रैंडलेस रिंग होती हैं, और ये दोनों फॉर्म को, चेन फॉर्म को और बोट फॉर्म को, इन दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैंड फ्री रिंग है हमारी, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों फॉर्म तभी रिप्रेजेंट होंगे जब कोई भी रिंग जो रहेगी वो स्ट्रैंड फ्री रहेगी, जिसमें स्ट्रैंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड फ्री रिंग के लिए ही ये सिचुएशन रहती है। अब अगर हम बात करें चेयर फॉर्म की और बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी की, तो चेयर फॉर्म जो होती है हमारी, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर रहेंगे साइक्लोहेक्सेन से के, लेकिन इन दोनों फॉर्म के अंदर, इन दोनों कन्फर्मेशन के स्टेबिलिटी के अंदर भी डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म, ठीक है। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको रीज़न यहाँ पर अभी बता देती हूँ। देखिए, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म, इसके रीज़न क्या है, अगर हम चेयर कन्फर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम चेयर कन्फर्मेशन की बात करें कि जब हम चेयर डायग्राम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है, तो चेयर कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है, देखिए अगर हम चेयर कन्फर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता दे रही हूँ,
कि डायग्राम चेयर कन्फर्मेशन में किस तरीके से बनेगा साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म रहता है, चेयर फॉर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, साइक्लो अल्केन्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चेयर फॉर्म के अंदर ये 6 कार्बन है हमारे। ठीक है, ये 6 कार्बन है जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो टोटल ओवरऑल कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे पास में, 6 कार्बन है, क्योंकि हम साइक्लोहेक्सेन के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चेयर फॉर्म होता है। अब चेन कन्फर्मेशन के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं, देखिए यहाँ पर भी CH बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी 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 होगा, जितने भी कार्बन हैं सभी में क्या होगा, सभी में CH बॉन्ड्स रहेंगे, है ना। अब इनके एडजेसेंट CH बॉन्ड, मतलब कि जैसे ये वाला कार्बन है तो इसके जस्ट पास वाला जो CH बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेबरिंग एटम्स बोलेंगे। तो जो भी CH बॉन्ड रहेंगे उसके जस्ट जो नेबरिंग कार्बन एटम है वो कैसे हो जाते हैं, वो स्टैगर्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, वो स्टैगर्ड हो जाएंगे किसके अंदर, बॉट फॉर्म के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, बॉट फॉर्म के अंदर, है ना। तो बॉट फॉर्म की जो एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू चेयर फॉर्म। बॉट फॉर्म की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू चेयर फॉर्म। मैं आपको बॉट फॉर्म का स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये होता है आपका बॉट फॉर्म, ये बॉट फॉर्म है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीज़न हुआ, है ना। उसके बाद में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स रहेंगे, क्योंकि 6 हैं तो डबल हाइड्रोजन रहते हैं, क्योंकि जब हम ओपन क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो CH2 जितने भी रहते हैं, कितने टोटल हाइड्रोजन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो उसमें से जो 6 रहेंगे, कौन से 6 जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलरली डाउन हो जाएंगे मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर। जैसे 12 हाइड्रोजन हैं तो 12 में से जो 6 रहते हैं वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलरली इस तरीके से डाउन हो जाएंगे, परपेंडिकुलरली डाउन ऐसे, ये परपेंडिकुलरली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाउन हो जाएंगे। ठीक है, है ना, जो भी प्लेन मॉलिक्यूल का रहेगा उस पर वो डाउन हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सियल, जो परपेंडिकुलरली डाउन है, मतलब 90 डिग्री के एंगल टाइप्स में बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। बाकी के जो 6 रहेंगे, है ना, बाकी के जो 6 रहेंगे वो या तो अबो रहेंगे प्लेन के या फिर बिलो रहेंगे, या तो अबो या बिलो, बट परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। परपेंडिकुलर वाली जो पोजीशन रहेगी उसको हम एक्सियल कहेंगे, और अबो और बिलो जब वो रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो 12 हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें से 6 हाइड्रोजन जो परपेंडिकुलरली शिफ्टेड होते हैं प्लेन के ऊपर, उसको हम एक्सियल बुलाते हैं, और बाकी के जो 6 होते हैं जो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, या तो बिलो होंगे या अबो होंगे प्लेन के ऊपर, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे इक्विटोरियल कहलाएंगे, है ना। अगर हम बॉट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बॉट फॉर्म की बात करते हैं तो दो आपके हाइड्रोजन रहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन, किसके ऊपर रहते हैं बॉट फॉर्म के अंदर, एक तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं और एक आपका फोर्थ पोजीशन पे रहेगा। देखिए, ये बॉट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट पोजीशन और इसकी फोर्थ पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के ऊपर क्या रहेंगे, एक्सियल हाइड्रोजन रहेंगे, है ना, और वो क्लोज रहते हैं एक दूसरे के इन द फॉर्म ऑफ चेयर। अगर हम चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में करें, देखिए चेयर फॉर्म ये रहा और एक ये रहा, तो अगर फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के हाइड्रोजन को यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर दूर रहेंगे, लेकिन जब हम बॉट फॉर्म की बात करेंगे तो बॉट फॉर्म के फर्स्ट और फोर्थ के हाइड्रोजन के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, और इस वजह से जो बॉट फॉर्म रहता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू चेयर फॉर्म। तो बॉट फॉर्म की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चेयर फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको इक्विटोरियल और एक्सियल जो स्ट्रक्चर रहता है उसको मैं आपको थोड़ा एक्सपांड करके बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इक्विटोरियल और एक्सियल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ये फोर हाइड्रोजन, ये फिफ्थ हाइड्रोजन, ये सिक्स्थ हाइड्रोजन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर नीचे के साइड पे एक हाइड्रोजन होगा, फिर इसके जस्ट पास में एक हाइड्रोजन, ठीक है, फिर इसके जस्ट पास में यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा, और अब आपके कितने हाइड्रोजन बचे, टू हाइड्रोजन बचे, तो दो हाइड्रोजन ये होगा। अब इसमें कौन से एक्सियल होते हैं और कौन से इक्विटोरियल होते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर टाइप में जो रहेंगे प्लेन से वो सारे एक्सियल होंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला मेरा कैसा है, ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हाइड्रोजन भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सियल दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर नीचे वाले की बात करें अगर हम, तो नीचे में ये वाला एक्सियल होता है और ये वाला कैसा हो जाता है, इक्विटोरियल हो जाता है। ये भी इक्विटोरियल है और ये भी इक्विटोरियल है, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, जो परपेंडिकुलर रहता है वो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, एक्सियल कहलाता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में ये परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसा है, ये इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये इक्विटोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सियल, है ना। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सियल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इक्विटोरियल। फिर ये भी एक्सियल हो जाएगा और ये भी एक्सियल हो जाएगा, देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ठीक है। फिर इसको भी हम इक्विटोरियल बुलाएंगे और इसको भी हम इक्विटोरियल बुलाएंगे, है ना। तो आप देखिए कितने एक्सियल और कितने इक्विटोरियल हो रहे हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके कैसे हो गए हैं, 6 आपके एक्सियल हो गए हैं और इक्विटोरियल 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आपके क्या हो गए, इक्विटोरियल और 6 हो गए आपके एक्सियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि चाहे हम चेयर फॉर्म लें या बोट फॉर्म लें, जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे वो 12 होते हैं, और चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के अंदर होता क्या है कि दोनों के अंदर जो हाइड्रोजन 12 रहते हैं उसमें से 6 हाइड्रोजन जो रहेंगे वो एक्सियल के रहेंगे और बाकी के जो 6 रहते हैं वो कौन से पोजीशन के रहते हैं, वो इक्विटोरियल पोजीशन के रहते हैं। तो 6 एक्सियल के होते हैं और बाकी के जो 6 होते हैं वो कौन से पोजीशन पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपकी इक्विटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। तो एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में ये जो भी हमारा डायग्राम है, कन्फर्मेशन डायग्राम, ये पर्टिकुलरली हमारा बनता है। और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को हम कहते हैं स्ट्रैंड फ्री थ्योरी। स्ट्रैंड फ्री थ्योरी मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको स्ट्रैंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड रहेंगे 6 से ज़्यादा वाले उसमें स्ट्रैंड नहीं आएगा, स्ट्रैंड आता है 6 से कम वाले कार्बन में, इसीलिए 6 से ज़्यादा वालों की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और 6 से कम वालों की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये थी आपकी स्ट्रैंड फ्री थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।